डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, डबल नहीं अब तो ट्रिपल इंजन की हो गई है। अब तो जो मेंबर और चेयरमैन है वो भी उन्हीं के हैं, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। उसके बाद भी महिलाओं का इस सरकार में कहीं कोई सम्मान नहीं है। तो इंजन पे इंजन बढ़ाए जा रहे हैं, गाड़ी खींच नहीं रहा, बस गाड़ी वही जाम हो गई है, बस इंजन पे इंजन लगे जा रहे हैं। सरकार का कोई काम नहीं हो रहा, बहनों का कोई काम नहीं हो रहा। महिला चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, चप्पल भी छीन नंगे पैर घूम रहे हैं। दूसरी चीज और बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। आज इन आंगनबाड़ी बहनों को ये नहीं मालूम है कि हमारा वेतन किस महीने का आया है और क्या है, कितना है। वो भी टाइम से आया था, वो भी नहीं, एक तक नहीं मालूम है किस महीने का आया है वेतन, कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इनको आप ये समझ लीजिए, इनको पुरस्कार जो मिलता है उसमें प्रधान को बीच में घुसेड़ा, सहायता समूह को बीच में घुसेड़ा है। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन सरकार के मंत्री और अधिकारी। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, आप सभी के लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर कुछ ऐसे कार्य हुए हैं, हाल ही के अंदर कुछ ऐसे सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जिनको देखने के बाद अब आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि की जो आशाएं हैं वो चरम पर पहुंच गई हैं। फिलहाल के लिए ये वीडियो आपने देखी होगी, फिलहाल ये इंट्रो पॉइंट था, पूरी वीडियो आप देखें। फिलहाल कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख करके पूछें, अब ये अपडेट पूरा देखें। लूट का खजाना बना रखा है इस विभाग को, ये विभाग सिर्फ आंगनबाड़ी को बर्बाद करने में लगा है और सरकार इससे मान दे भिकारी बना दिया है हमें कि भीख दे दो हमें, सिर्फ मान दे। दहाड़ी वालों को भी 300 रुपए पर डे मिलते हैं सर, हमें तो वो भी नहीं है। महिलाओं का अगर मानदेय नहीं बढ़ाया, क्या लगता है इस बार महिलाएं सरकार को वोट करेगी? नहीं करेंगे। अगर इस बार आंगनवाड़ियों का मानदेय वेतन में नहीं बदला गया है तो हम सभी बहनें हर जिले से पूरे उत्तर प्रदेश से बहिष्कार करेंगे और इसका परिणाम उन्हें आने वाले 2024 के चुनाव में भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन रिटायरमेंट का नाम क्या है ये सरकार को नहीं पता है। रिटायरमेंट पे कुछ तो दिया जाता है लेकिन यहाँ कान पकड़ के बाहर कर देते हैं, रिटायरमेंट हो गया, तुम्हारा रिटायरमेंट हो गया, घर बैठो आराम से। दोस्तों नमस्कार, आंगनबाड़ी की यूपी की महिलाएं हमारे साथ में, हालांकि आज भारत के अलग अलग राज्यों से जो महिलाएं आई हैं और जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है, करीब करीब 28 लाख इनकी जनसंख्या है पूरे भारत में, तो आज अपने मानदेय को लेकर के, अपने जॉब को कहते हैं सरकारी नौकरी में तब्दील किया जाए, सब मांगों को लेकर के महिलाएं हैं। और सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 2024 का चुनाव नजदीक है और उस चुनाव के टाइम में ये महिलाएं इकट्ठी हुई है। महिलाएं वोटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी चुनाव में। कहाँ से आई आप? जी हम एम्बुलेंसर से। आप आंगनवाड़ी से हैं? जी हाँ। तो काफी समय से तो जो आप लोग मांग कर रही हैं, जी क्या लग रहा है कि 2024 का चुनाव भी नजदीक है, आज भारत के अलग अलग प्रदेशों से महिलाएं आई हैं, जी क्या लगता है कि चुनाव से पहले आपकी मांग पूरी होगी, केंद्र सरकार मानेगी? बिल्कुल, हमको लग रहा है कि अगर हम इस तरह से प्रयास करते रहे, एकजुट होकर हम ये काम करेंगे तो हमारी मांग जरूर पूरी होंगी और सरकार को हमारी मांग हर हाल में पूरी करनी पड़ेगी अगर उनको सत्ता में आना है। तो अगर हमारी मांग पूरा नहीं करेंगे तो वो सत्ता में नहीं रहेंगे, हम उनको सत्ता से उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। अभी आप लोग अभी यूपी